गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा काइनेमेटिक्स बेस्ड। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो बेटा आज हम करें शुरू। एवरीवन रेडी? यस सर। यस सर। गुड। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा, जो हमारा सर गोल है, पहला जो हमारा आएगा वो आना चाहिए एवरेज स्पीड का एंड एवरेज वेलोसिटी का। ओके, फर्स्ट। और दूसरा हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये हमारे आज के गोल हो सकता है, किसी में सिर्फ सभी गोल कवर हो जाए, हो सकता है तीन ही हो, या हो सकता है दो ही कवर हो, ठीक है। पर जितना भी हमें कवर करना है उसे अच्छे से करना है, क्योंकि काइनेमेटिक्स बड़ा चैप्टर है, सभी का बेस है, ठीक है। अगर काइनेमेटिक्स आता है ना तो बड़ा फिजिक्स में आगे फास्ट फॉरवर्ड चल सकते हैं, अदरवाइज हमें थोड़ी देर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ समझते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल फ्रॉम पी टू क्यू। ओके, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, एक सर्कल में एक मान लो एक पर्सन है जो बेसिकली ये पॉइंट्स है, ठीक, ये क्यू से लेके पी तक गया है, ठीक है, और ये जो इसका रेडियस है वो आर आर है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्या है, ठीक है। तो जरा करिए शुरू, तो लगाइए क्या होगा डिस्टेंस और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। बताइए कोई बच्चा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो, वी नो दैट, मतलब सर्कल है, ठीक है, सर्कल का मान लो ये पॉइंट हम लेते हैं, जैसे मान लो ये हमने एक छोटा सा एंगल ले लिया, ठीक है, ये एंगल है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसे बोलते हैं बेटा आर्क, इसको नाम दे दिया हमने एल। तो आर्क की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एल प्लस आर, ये बेटा हमेशा याद रखना है हमें। एल क्या है हमारे पास, एल क्या है बेटा, आर्क है, और थीटा को हमें किसमें लेना है बेटा, इन रेडियन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने इसमें रेडियन का यूज करना है, ठीक है। ओके, तो अब थीटा बेटा वैल्यू अब यहां पर देखिए कितनी आएगी, ये वाला पार्ट, ये वाला कितना होगा बेटा, इट विल बी 90, 90 मतलब पाई बाय 2 यानी एल बाय आर। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, ये निकालना है हमको, इट विल बी अ पाई आर बाय 2। और बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बेटा, क्योंकि
वी नो दैट जो एक्चुअल पाथ कवर करता है उसे बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है, मानो जैसे ये दो लाइंस को अगर, दो पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दो, वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर दो लाइंस, अगर जो एक्चुअल पाथ की बात करेंगे वो होता है डिस्टेंस, और जो दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने के पे जो डिस्टेंस आता है, जो जो पॉइंट, जो वैल्यू आती है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे इसको, देखो सिंपल सा है। अगर ये आर है, ये भी आर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी ए, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो आएगी आर बाय आर इंटू रूट टू। ये सबको समझ आया बेटा? आना बोलिए माइक ऑन करके। यस सर, यस सर, बेटा प्लीज आपका माइक को अपना देखिए सभी लोग। It's working now. Okay. इसे कुछ समझ आ गया बेटा? किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है क्या? ओके, एक क्वेश्चन देता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? आपने इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक अंदर क्वेश्चन है, उसे एग्जांपल पे आप करेंगे। इसी भी यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो पी से लेके क्यू तक गया, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है मान लो वो अराउंड 60 का, ठीक है? थोड़ा बताइए फटाफट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें जल्दी। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, सेम स्टाइल है, जल्दी लगा के बताइए कितना आंसर आएगा बेटा। ध्यान रखना, अगर थीटा को हम रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे पाई बाय 3 लिखते हैं। तो बताइए डिस्टेंस कितना आया होगा बेटा इसमें? पाई आर बाय 3। ओके, ये हो गया डिस्टेंस। और बेटा डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा? बताइए बताइए बेटा। आई एम वेटिंग। ओके, तो मैं सीधा आपको फिर फॉर्मूला बता देता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का, उसका अप्लाई करिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब बेटा डिस्टेंस निकालना है आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर थीटा, ध्यान रखना इसको रेडियन में लिखना है, और जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए हो जाएगा सॉल्व सभी से। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? आर थीटा और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा बेटा? 2r sin थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके कोई आंसर निकाल सकते। बताइए बेटा अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी फिर? √3 √3r। ओके, 2r sin तो थीटा का कितने थे हाफ, यानी कि 60 का कितना हो जाएगा 30, राइट? और ये sin 30 के बेटा कितना होता है 1/2, तो कितना आंसर आया बेटा आपके पास? समझिए आप क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला याद रहेगा सभी? यस, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसे हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अप्लाई कर, ज्यादा नहीं सोचेंगे आप, जस्ट अप्लाई कर देना। ओके,
ओके अब बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का पहले करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह बेटा एवरेज स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, जहां पर डिस्प्लेसमेंट था वहां पर डिस्टेंस आ जाएगा बेटा, और ऑफ कोर्स स्केलर वेक्टर में डिफरेंस तो होता ही है, वो भी आएगा। अब ध्यान रखना है इस चीज का, एक चीज जो हमें हमेशा याद रखना होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या छोटा होगा। वो कैसे बताता हूं, इसी तरह हम बात करते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की, वो भी क्या होगी, या तो इक्वल होगी या तो क्या होगी बेटा कम होगी। कैसे देखते हैं, देखो आपने एक पी से लेके क्यू तक जाना है, जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो ठीक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। पर अगर ओके अगर मान लो आप ऐसे जाओगे या मान लो आप ऐसे जाओगे तो डिस्टेंस होगा बेटा, पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट सीधा स्ट्रेट लाइन जोड़ देना, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा इससे डिस्प्लेसमेंट से, अगर अलग पाथ होगा, अगर दोनों का स्ट्रेट पाथ है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, ठीक है। इक्वल वाला पाथ सीधा तभी अप्लाई होगा जब दोनों स्ट्रेट लाइन में जाए, दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे इसका मतलब है डिस्टेंस बड़ा होगा। ओके बेटा समझ आ गया सभी को, यस कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी बच्चे का, डाउट तो नहीं यार ना। ओके अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट केस लिए हैं। देखो पहला केस, इफ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस with velocity v1 v2 v3 or vn then average speed will be, formula kya likhenge beta hum log dekho, to average speed ka formula kya hoga jab wo n distance cover up karega एंड वेलोसिटी, तो फॉर्मूला बनेगा एंड डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस है डी बाय वी वन प्लस डी बाय वी टू प्लस सो ऑन डी बाय डी एन। इन शॉर्ट अगर इस फॉर्मूला को लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला सीधा सीधा ये बन जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला आएगा, एंड डिस्टेंस उसने कवर अप करना होगा, इसलिए है ध्यान रखना तभी होगा जब डिस्टेंस इक्वल होगा, जब इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहीं पर है, दूसरा है इफ एन इज इक्वल टू टू, दो वैल्यूज हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, देखो सिर्फ मैंने ऊपर n की वैल्यू कितनी पुट कर दी है 2, इस फॉर्मूले में सिर्फ n की वैल्यू 2 पुट कर दी है, ठीक है। और वेलोसिटी सिर्फ कितनी लिखेंगे हम लोग, 2 ही लिखेंगे, आंसर विल बी 2v1 v2 / v1 + v2। ये आ गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ओके। तो क्वेश्चन करें बेटा, यस सर। तो क्वेश्चन पेपर में मतलब आया भी हुआ है आपको, ठीक है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन वाला, तो ये आया था
2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट velocity v2 for a certain distance x and with constant velocity v2 for next equal distance, आपने क्या निकालना है? Find average velocity. Okay, चलो बेटा बताओ क्या आंसर आएगा आप लोगों का, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Which formula is? फाइन, बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? बताइए बेटा, उसने क्या किया है? अ पर्सन स्ट्रेट लाइन मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड v2 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर अ नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। ये v1 आना था यहां पर, इट शुड बी v1 और इट शुड बी अ v2। ओके, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा एवरेज का? v इज इक्वल टू 2 1 v1 प्लस y1 v2। कितना आंसर आएगा बेटा? 2v1v2 by v1 plus v2। यस, समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना जरा। यह है आपका सीबीएसई AIPMT में आया था 2011 में। या पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड वी वन एंड द रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विद स्पीड वी टू। ओके, हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। चलिए लगाइए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, क्या आंसर बनेगा इसका? सर वी वन प्लस वी टू अपॉन में टू। देखो दो पार्टिकल्स हैं, उन्होंने हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर किया, मान लो ऐसे ऐसे है, ऐसे हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर किया, मान लो ए और बी, ठीक है, मतलब अगर इसने डी बाय टू कवर किया, इसने भी डी बाय टू किया है, ये बात समझ आ रही है बेटा? विद स्पीड इसने कितने में की है? वी वन, इसमें कितने की है? वी टू। जब डिस्टेंस सेम है तो क्या फॉर्मूला लग सकता है बेटा? वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने किया था। क्या आंसर आएगा बेटा? डिस्टेंस सेम है, अगर दो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस तो फॉर्मूला वही लगेगा, बट टू वी वन वी टू बाय, समझ आ रही बेटा कि नहीं? देखो इसी फॉर्मूले को हम लिखना है, बस कुछ मत देखिए आप लोग, अगर आप लोग क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो सिर्फ दो ही वैल्यूज है हमारे पास, दो ही डिस्टेंस है हाफ हाफ, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? मेरी बात समझ आई सभी को कि नहीं? यस सर। पक्का?
चलो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होगा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे मान लो ग्राफ है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो जैसे मान लो ये है, कोई रैंडम सा ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसे करके कर्व ग्राफ है, अगर स्लोप मुझे निकालना है मैं क्या करूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट डीएस है और ये डीटी है, क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस राइट, स्लोप, इसे हम वही बोलते हैं स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ, राइट बेटा। तो याद रखना है फॉर्मूले को जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करते हैं, आई होप यू विल डू इट। ये नीट 2016 में आया हुआ है, ओके ओके। क्वेश्चन इज, टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में बेटा क्या कंडीशन थी, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, एंड देयर पोजीशन आर, देखो पहले की पोजीशन है ए टी प्लस बी टी, मतलब एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन जिसे बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम हाइपोथेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। ओके गाइस गो फॉर इट, निकालिए कितनी वेलोसिटीज होंगी, इसके ऑप्शंस में दे देता हूं, तब तक आप निकालिए इसको। ऑप्शन नंबर वन ए माइनस एफ बाय ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी ए प्लस एफ बाय टू बी माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस एफ बाय टू ए प्लस बी, एंड अनदर क्वेश्चन इज सॉरी ऑप्शन इज टू ए प्लस बी, गो फॉर इट गाइस। तो यहां पर दो इक्वेशंस दी हैं, दोनों हाइपोथेटिकल इक्वेशंस हैं और ये इंस्टेंटेनियस वाली है, जब भी ऐसी इक्वेशन दी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस जो हैं इनकी सिंपली हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, ओके। तो पहले इन दोनों की आप डिफरेंशिएशन निकालिए, ओके, फिर दोनों, अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन में, देखिए इसमें कुछ इक्वल दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ही सेड टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजीशन, अब दोनों का जो है टाइम बिल्कुल सेम है, दोनों के हम क्या करेंगे अलग डिफरेंशिएशन निकाल के उनको इक्वल कर दीजिए, बात ही खत्म हो गई। जैसे लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू, अब देखो एट व्हाट द लास्ट में देखो एट व्हाट टाइम द कार है द सेम वेलोसिटी, यानी दोनों वेलोसिटी से हम सिंपली क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्या लिखेंगे, तो क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट की डिफरेंशिएशन करो, इट विल बी कितना आएगा बेटा, ये वैल्यू आएगी, राइट। अब इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं, टू बी टी 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 को इकट्ठा कर लीजिए फटाफट, ये वैल्यू बचेगी आपके पास, यहां से क्या कॉमन ले सकता है हमारे पास,
यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालता हूं तो टाइम विल बी 1 बाय एफ माइनस ए बाय ए प्लस 1। ऑप्शन विच इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो सभी को एक क्वेश्चन समझ आया क्या? यस सर। और है ना, किन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया? डिफरेंशिएशन सभी को आती है ना अब अच्छे से? यस। क्वेश्चन में आपने कोशिश हमेशा करनी है, सबसे पहले देखो इसमें कॉमन चीज क्या है। अगर कॉमन चीजें निकल गई तो इक्वल कर दो हर क्वेश्चन में। आप ये सुन के चलो, देखिए क्या कॉमन निकलता है। अगर दोनों की चीज कॉमन निकल दो उठाए, जैसे इन्होंने वेलोसिटी को कॉमन बोला, वेलोसिटी को इक्वल कर दिया, देन आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर हुआ सभी को? प्लीज थोड़ा सा एनर्जी में रखिए ताकि मैं आपको और बेटर समझा सकूं। हाँ बेटा, किसी कोई क्वेश्चन है क्या? सर नोट करना है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके, क्या इसके साथ का एक क्वेश्चन और डालूं या खुद ट्राई करेंगे? फिर मैं क्वेश्चन डालता हूं, आपने फाइंड आउट करना है उसमें क्या चीज कॉमन है, ठीक है? वो देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होती होती है। नोट डाउन कर लिया बेटा? यस सर। ओके ग्रेट, एक क्वेश्चन में अपना कितना आएगा? अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, और कब आया हुआ देखते हैं। ये है अपने पास सीबीएसई ए आई पी एम टी में आया था, ये 2006 में आया था क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट ए टाइम टी इन सेकेंड द डिस्टेंस एक्स इन मीटर। ध्यान रखना पड़ा डिस्टेंस को हमें मीटर में लेना है। ऑफ द पार्टिकल ओ इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 12 टी माइनस टी 3। ओके, हाउ लॉन्ग वुड बी पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, अब ध्यान रखना उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्कुल आराम से करना क्वेश्चन को। He said, पार्टिकल्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, जो भी है टाइम उसने दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया, और हमें इक्वेशन दे दी है। बट बेस्ट पार्ट क्या है, ही सेड हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू अ रेस्ट। रेस्ट 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 दे दिया क्वेश्चन, सिंपलीफाई, यानी जो भी आंसर आएगा उसको जीरो के इक्वल कर दो, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल है, वेलोसिटी का फॉर्म लगाएंगे, और ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, तो इसकी क्या कर देंगे हम सिंपली डिफरेंशिएशन। आंसर आएगा बेटा, जो भी आंसर आएगा डिफरेंशिएट कर उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो, और वहां से आपके पास समय आ जाएगा। ओहो नहीं 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 बेटा, टाइम कितना है 2 सेकंड, ठीक है, बढ़िया, टाइम 2 सेकंड आ गया। डिस्टेंस निकालो फटाफट, कितना डिस्टेंस कवर अप करती है, जो आंसर आएगा टाइम का उस टाइम की वैल्यू को इसमें उठा के पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ओके, जैसे देखते हैं, डिफरेंशिएशन करी तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। उसने बोला है रेस्ट में आएगा, यानी इज इक्वल टू 0, यानी 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0, 3t का स्क्वायर 12, टी स्क्वायर इधर चला गया, इधर आ गया 4, और ये अगर मैं इसकी करता हूं वैल्यू, रूट निकालता हूं तो रूट की वैल्यू आएगी 2 सेकंड्स, राइट? अब जो वैल्यू आई है इसको, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या वैल्यू आएगी सॉल्व करके इस वैल्यू की हमारे पास, x इज इक्वल टू 40 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, एंड आई थिंक इट विल बी अ क्यूब, है ना, क्यूब है तो ये आना चाहिए 56 मीटर। ओके,
सब कुछ समझ आ रहा है टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं मैं? यस ओके okay. हाँ बेटा बोलिए क्या बोल रहे हैं, कोई स्लाइड दिखा दूं? ये देखिए स्लाइड सर, इसमें x इक्वल टू 40 भी लिखा है ना, तो सर ये जो कांस्टेंट है तो इसको जीरो मानेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, अकेला नंबर है राइट कैसे सर? ना. अच्छा अब एक क्वेश्चन और दूं क्या? यस सर ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है ये देखो. ये है हमारे पास, ये आया हुआ है 2017 में, क्वेश्चन आया हुआ है. वाओ द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t का स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू दी है 10t. कोई दिक्कत वाली बात नहीं रिस्पेक्टिवली, इसको आप समझ लेना. वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड. ओके द एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड. ये तो बहुत आसान है ठीक है. तो अब एक्सेलरेशन निकालने तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या बनता है देखो, डीवी बाय डीटी. तो चलो बेटा बताओ कितना कितना आंसर आएगा. दो वैल्यूज है ना, ये बी एक्स है, अच्छा ये एक्स है और वाई की वैल्यू दी 10t. ओके तो ये हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा वेलोसिटी निकालने का? डी एक्स बाई डी टी राइट. कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी हमारे पास? 40. अब इसी की जो वैल्यू आई इसकी हम क्या कर देंगे बेटा, क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन यानी वी एक्स बाई वी टी. कितना आएगा बेटा? 0 - 4, यही आ जाएगा. और अगर वाई की निकालिए बेटा कितनी आ जाएगी? डी वाई बाय डी टी. इसकी तो वैल्यू कितनी आएगी? 10. और अगर इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन वाली बात हमने लास्ट क्लास में भी की, तो इसका आंसर कितना आया? 0. तो कितना आंसर है बेटा इसका? 4. पर किसमें? देखो इसने बोला है आई कैप, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला है. इसने क्या बोला है? कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है आंसर भी आई कैप जे कैप में ही आना चाहिए. तो अगर x है दैट्स मीन, और अगर माइनस साइन लगा तो आई कैप आ जाएगा. तो ये हमारे पास आंसर है. अरे यार ये हमारा सॉल्यूशन है. क्या ये बात सबको समझ आ गई है? अगर क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बेटा इसका आंसर आप किस फॉर्म में देखो? आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में. ठीक है, इस बात का खास कर ध्यान रखना. हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है या उसको सॉल्यूशन कैसे देखना है वो हम देख पाते हैं. तो याद है सबको समझ आ गया? हाँ बेटा साक्षी बोलिए. सर आपने यहाँ पे 5t क्यों नहीं लिखा? 5t माइनस 40 कहाँ पर बेटा? सर ये बेटा हमें एक्सेलरेशन निकाल, बेटा हमें एक्सेलरेशन निकालनी है क्वेश्चन में, हमें वेलोसिटी थोड़ा निकालनी है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड. हम सेकंड से तो पहुंचे ही नहीं है, खत्म ही हो गया वो. समझे साक्षी? बेटा एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर समझे साक्षी जी? जो मैंने बोला अभी, हम इसे वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? एक्सीलरेशन. या ग्रेट. अब हम बात करते हैं एवरेज वाले की.
समझो अब एवरेज वाला कैसे निकालना है देखो, अब मैंने कल मैंने बताया था जब एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन सिंपल। मान लो वेलोसिटी और टाइम है, इसका मुझे ये ग्राफ निकालना है ये वाला पार्ट, तो क्या करेंगे हम लोग सिंपल, ये डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप निकालने के लिए। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो क्या करेंगे, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी क्या करेंगे हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन, राइट। इसको मैं लिख देता हूं एस टू माइनस एस वन वी डी टी, ये फॉर्मूला याद रखेंगे सभी लोग, टी वन टी टू, ये क्या है बेटा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ओके, और ये क्या है एरिया अंडर कर्व, ओके। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, करें आगे बेटा। यस सर, एक बार स्क्रीन थोड़ी, पर अगर मान लो एक सेकंड बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो क्या करेंगे, और को बस ए लिख दो तब उसके बाद कर लीजिएगा। अगर बेटा इसका मुझे एरिया निकालना तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डीवी बाई डी टी होता है ना फॉर्मूला, तो मुझे अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो कौन सी चीज बेटा मिसिंग है इसमें, वेलोसिटी इज मिसिंग, तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से बता दूंगा एक बार, पहले कर लूं फिर बताता हूं आप लोगों को। v2 minus v1 integration a dt, ये हुआ। तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है, मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों, देखो ये देखो ऐसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर बेटा आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ जाना है तो क्या करेंगे आप, इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे बेटा आप, डिफरेंशिएशन इधर जाएंगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जाना है बेटा फिर क्या करेंगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन। पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जाना है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स सिर्फ वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा उसका, ADT। और अगर इधर जाना है तो बेटा क्या निकालेंगे आप यहां पर, VDT। समझे सभी लोग, अब यहां पर थोड़ी परेशानी आएंगी आप लोगों को, चीजें समझ नहीं होंगी आप लोगों को, इतना समझ आया सभी को, ये लो किसी बच्चे ने बोला, ये लो ये लीजिए आप, तो ये पार्ट याद रखना है सभी ने, जब भी आपने ये ग्राफ का पार्ट जो मैंने यहाँ पर स्पेशल ड्रॉ किया है ना, इसका बड़ा ध्यान कर रखिएगा, बस इसी पार्ट को अगर आप अच्छे समझ लेते हैं आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके ओके एलेक्स, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग लेक्चर से मिल जाएंगे अभी आपको, ये रिकॉर्डिंग और लेक्चर्स, ओके, तो शिवानी मैम विल बी सेंड यू। ओके, तो बताइए फिर क्वेश्चन शुरू करें। यस सर। ओके गेट रेडी, ये क्वेश्चन कितना होगा हमारा, 7, और ये कोई क्वेश्चन आया होगा क्या कहीं पर, ये नीट 2016 में आया हुआ है। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between first and second is, go for it बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, if the velocity of the particle हमें दिया हुआ है, where a and b is a constant, then the distance traveled between the first and
टू सेकेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब उल्टा काम करना है ना, हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी ये तो बनवा देते हैं मेरे से, तो क्या बनेगा, सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस टू माइनस एस वन वाला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अ क्वेश्चन। तो वेलोसिटी कितनी थी बेटा, लिमिट्स कितनी है, एक से लेके दो सेकंड, एक से लेके दो सेकंड, करो अप्लाई फटाफट, तो यहां पर क्या आएगा, ए टी डी टी को अलग करो, उसी तरह बी टी डी टी को स्क्वायर को हमने अलग किया, तो ये वैल्यू आई, इसको हम कर रहे हैं सॉल्व फटाफट, ए कॉन्स्टेंट इसने बोला है, तो ये हमारे पास बचेगा कुछ इस प्रकार से, ये बचेगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ओके गाइस। Yes, तो अगर हम निकालते हैं S2 माइनस S1 की वैल्यू, तो A आ गया बाहर, अंदर क्या रहेगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ये वैल्यू आ गई, इसे अभी को समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। तो हमारे पास ये आंसर है, तो ये आया है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ बेटा, ये सभी समझ आ रहा है बेटा, प्लीज बताइए। यस सर। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। एक क्वेश्चन दूं क्या, करोगे ट्राई? यस सर। पर अभी मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में, या क्वेश्चन खुद हेल्प करेंगे, और क्वेश्चन कब आया होगा इसका पता नहीं, इसको सीधे करते हैं। इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन, हमें एक्सेलरेशन दिया है, हमें वेलोसिटी निकालना होगा, तो क्या करेंगे बेटा, क्या लिखा है बताता हूं बेटा, थ्री टी स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, पार्टिकल 3 सेकेंड इफ इनिशियली पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, मतलब अब यहां पर क्वेश्चन समझना, दो टाइम दिया गया है, एक टाइम का मतलब है ये वाला टाइम, और इनिशियली का मतलब है टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, हाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वी टू वी वन ए डी टी टी वन 27। Oh my God, very good. इनको नहीं पता लगा, देखो टाइम की वैल्यू क्या है, उसने बोला है ये वाला पार्ट क्या है, रेस्ट है, इनिशियल किसमें रेस्ट में, तो ये वाला पार्ट आ गया राइट, तो ये आ गया 3t² इनटू dt इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक, और ये वैल्यू आएगी 3t³/3 0 से लेके 3 तक, ओके, योर आंसर विल बी ये आंसर। सबको समझ आया बेटा कि नहीं बच्चों? ओके ओके, अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां कहां वैलिड है, कहां कहां वैलिड नहीं है, ठीक है, देख लेना जरा इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑलवेज वैलिड, कहां कहां देखो, पहला v इज इक्वल टू ds बाय dt, दूसरा फॉर्मूला dv बाय dt, तीसरा फॉर्मूला बड़ा हमने क्या किया था अभी, v वैल्यू
और फिफ्थ फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है ये फॉर्मूला, किसी भी हाल में इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ओके, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां पर कुछ को समझना होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान रखना इसमें एक्सेलरेशन हमें कॉन्स्टेंट रखनी होगी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है कहां लगेगी, तो ध्यान रखना वो हमेशा वहां लगती है जहां पर एक्सेलरेशन क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, उसके अलावा कहीं नहीं। अगर वेरिएबल है तो नहीं लगेगा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये यस तीसरी इक्वेशन। यहां पर यू क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ग्रेट। और एक ये क्या है, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और टी क्या है यहाँ पर, टाइम, टाइम किसका दिया होगा, टाइम पीरियड होता है एक्सेलरेशन का, ध्यान रखना। ओके, और एस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, डिस्टेंस, नो, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेटा। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और ये कहने का क्वेश्चन आया होगा, आया है AIPMT में, कब आया है भाई साहब, ये 2010 में। ओके, क्वेश्चन इज, सर, हाँ बेटा बोलिए सर, एक बार स्लाइड दिखा दो पूरा पीछे वाली बार, एक सेकंड बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, बस दो मिनट बेटा, इसको लिख दूं मैं ताकि बच्चे क्वेश्चन करते रहे, आप इसको नोट डाउन कर लेना। 3i cap + 4j cap and has acceleration 0.4i cap + 0.3j cap, its velocity, या इसकी स्पीड निकाल दो, इट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। ओके, तो यहां पर स्पीड और वेलोसिटी को हम सेम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जरा निकाले क्वेश्चन को। लगाइए बेटा, ध्यान रखना यहां पर हम इसको स्पीड को वेलोसिटी में कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नहीं बनेगा नहीं तो। ओके, तो करें शुरू क्वेश्चन को सॉल्व करना। यस, अच्छा मैं करूं क्या, नो सर, पहले सॉल्व, चलो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बेटा हमें वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 3i + 4j का, तो बेटा यहां से हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और करिए पहले, सर पॉइंट लिखिए 0.4i cap + 0.3j cap। ओके, तो ध्यान रखना ये बेटा क्या है, कॉन्स्टेंट, ये बेटा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 10 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी। ओके, सबसे पहले क्या फॉर्मूला होगा, v = u + at, राइट, तो u की वैल्यू क्या क्या आएगी, 3i cap + 4j cap,
एच एम का कितना दिया है 0.4 आई कैप 0.3 जे कैप 10। जब सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसको अंदर 10 को मल्टीप्लाई करिए इसके साथ फिर इसके साथ, इट विल बी 4 आई कैप जे कैप 3 जे कैप राइट। तो आंसर कितना है बेटा हमारे पास 7 जे कैप। ओके स्पीड निकालना है, मान लो अगर जैसे इसने स्पीड बोला है तो पहले हमें स्पीड इसकी स्पीड भी निकालना है। स्पीड के लिए क्या करते हैं बेटा इसका मॉड लगा दीजिए, जो आंसर आया है सिंपली उसका क्या लगा देंगे बेटा, उसका हम लोग सिंपली मॉड लगा देंगे। कितना आएगा बेटा आंसर इसका, ये सभी का स्क्वायर करते हैं। जब भी बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ क्या करेंगे रूट और सारी वैल्यू का स्क्वायर। कितना आंसर आया बेटा आपके पास 7 root. क्या सभी को क्वेश्चन समझ आया? यस सर। यस सर। ओके तो अभी हम लोग जब अगली क्लास में जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ओके तो अभी हमारा पॉइंट्स काफी सारे बाकी हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे पास, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है। No, sir. No, sir.